बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय विलेज फूड सीक्रेट्स देखने वालों को मुकर्रम सलीम का सलाम। आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता। नहायत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और इसे बनाने का तरीका बड़ा ही आसान है। तो आइए देखते हैं ये बैंगन का भरता जो है वो कैसे बनाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंगन को किसी लोहे की चीज़ के आगे लगा लेना, ये सरिये के आगे हमने लगाया। तो अभी इसको भूनेंगे, तो ऐसे इसको आग के आगे 4 से 5 मिनट के लिए करेंगे। और ये बैंगन हमारा हो गया, इसके छिलका जो है वो देखे फट गया। तो इसी तरीके से हम जो सारे बैंगन हैं उनको कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बैंगन हमारे हो गए हैं, इसी तरह जितना हमने भरता बनाना है उतने बैंगन जो है वो इसी तरह कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई हमने चूल्हे के ऊपर चढ़ा ली है, थोड़ा सा बिल्कुल इसमें हमने घी शामिल किया। तो अभी इसमें हम थोड़ा सा प्याज शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज जो हमारा वो हल्का सा ब्राउन हो गया, अभी हम लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा वो शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन का पेस्ट प्याज जो है वो बिल्कुल बारीक रखना। और बैंगन का छिलका उतारने के बाद उसको हमने काट लिया था इस तरीके से, और बिल्कुल थोड़ी सी जो अदरक है उसका पेस्ट भी हम शामिल करेंगे। अगर आपको लगे कि ये नीचे लग रहा है तो थोड़ा सा पानी छिड़क लें। अभी हम टमाटर और सब्ज मिर्च शामिल करेंगे। बैंगन का भरता जो है ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर मज़ा आएगा। अभी हम लाल मिर्च शामिल करेंगे आधी चमची, नमक, हल्दी पाउडर, अल्हम्दुलिल्लाह मसाला जो हमारा वो अच्छे तरीके से भुन गया। अभी हम बैंगन शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंगन को हम मैश कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्त अहबाब के साथ। तो अगर नए हैं चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत शुक्रिया तमाम देखने वालों का, इसी तरह प्यार देते रहिए। अब हम गरम मसाला शामिल करेंगे। और सब्ज़ धनिया,
और ये बैंगन का भरता हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। तो बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में ये बहुत ही मज़े का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।